कुछ सड़ रहा है ना? क्या? तुम क्या यार आज ये सुबह सुबह ऐसी सड़ी हुई सी शक्ल क्यों बनाई है? काम पे फोकस करें। तुम जानते हो ना कि मैं कितनी सड़की हुई हूँ। अगर कोई मेरी बातों को इग्नोर करता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। तो चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। बाकियों ने तो कर ही रखा है, तुम भी कर लो। राज कब तक अपने प्रॉब्लम्स का लगेज अपने कंधों पर रखोगे? मैं तो कहती हूँ सारे प्रॉब्लम्स को ना अनलोड कर दो, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। देखो मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम शायद मुझे नहीं बताना चाहते हो, पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी ये शक्ल मुझसे देखी नहीं जा रही। कम ऑन टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। थक गया हूँ। I am sick and I'm tired. झगड़े झगड़े झगड़े। I really tried. I tried very hard कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं। काव्या और अपने परिवार के बीच में ब्रिज बन जाऊं। पर ना तो काव्या को मेरे एफर्ट्स दिखाई दिए और ना ही उसे अपनी गलतियां। खुद तो चली गई ब्रेक लेने के लिए, लेकिन उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। रात भर नहीं सोया मैं, क्योंकि मैं रात भर काम कर रहा था। सुबह उठा तो वही झगड़े, तू तू मैं ना बोलूं तो मेरे परिवार को लगता है कि मुझे परिवार की फिक्र नहीं है, और अगर मैं बोलूं तो मैं विलेन बन जाता हूं। करूं तो क्या करूं मैं? पहले सिर्फ लगता था मुझे ऐसा, पर अब यकीन हो गया है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी काव्या से प्यार करना, और दूसरी गलती उससे भी बड़ी, काव्या से शादी करना। कोई और मुझे समझे ना समझे, तुम तो मुझे समझ सकती हो ना मुक्कु, क्योंकि तुमने भी मेरी तरह दो बार चोट खाई है, पहले प्यार करके और फिर शादी करके। इतनी मुश्किल से मैं और अनुपमा दोस्ती के स्पेस में आए थे, लेकिन आज फिर से वही पुरानी तू तू मैं शुरू हो गई। काव्या के लिए मैंने क्या क्या नहीं सहा, अनुपमा से अलग हुआ, बाप बापू जी का गुस्सा सहा, लोगों के ताने सुने, बच्चों की नजरों में हीरो से जीरो बन गया, लेकिन इस सब के बदले में मुझे क्या मिला? लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स। जिस प्यार के लिए मैंने अपनी शादी तोड़ी, आज उसी प्यार की वजह से मेरा परिवार टूट रहा है, मैं टूट रहा हूं। मेरे पास तो मेरे मां बाप हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तुम तो बिल्कुल अकेली थी मालविका। तुमने ये सब कैसे सह लिया मालविका? ये बात सिर्फ तुम और मैं समझ सकते हैं कि अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन अकेले पड़ जाना बहुत बड़ी सजा। शायद इसी अकेलेपन से बचने के लिए, भागने के लिए मैंने अपना पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया है, और अब सिर्फ एक ही मकसद है मेरा, जो भरोसा तुमने मुझ पे किया है मुझे उस भरोसे की इज्जत रखनी है, अपने आप को प्रूफ करना है मुझे, स्पेशली अनुज को, क्योंकि मैं जानता हूं उसको मुझ पर भरोसा नहीं।
अनुज अपनी जगह ठीक है, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है मालविका, और मैं इस बिजनेस में बिल्कुल नया। उसके लिए आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा करना आसान नहीं है। लेकिन तुम अपने भाई से बिल्कुल अलग हो। तुमने मुझे बिना जाने बिना जज किए मुझ पे भरोसा किया, सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। शायद इसीलिए मैं जो बात किसी और से शेयर नहीं कर पाता वो तुम्हारे साथ कर पाता। जैसे लोग बरसात से बचने के लिए छुप जाते हैं ना, वैसे ही मैं पर्सनल लाइफ से बचने के लिए काम में छुप गया हूं। अब जो है ये प्रोजेक्ट है। मैं गलत था, मैंने अपने आप को बदल दिया, पर भूल गया कि आदमी कुछ भी बदल सकता है, अपने गुजरे हुए कल को नहीं बदल सकता। मैं आज जो भी कर लूं, लेकिन लोग मुझे मेरे गुजरे हुए कल से ही जज करते हैं। मैं अगर आज जान भी दे दूं ना मालविका, तो फिर भी उनको यही लगेगा कि इसमें वनराज शाह की कोई चाल है, क्योंकि उनके लिए मैं कभी सही हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, कब तक मेरे गुजरे हुए कल का साया मेरे सर पे रहेगा, कब तक लोग मुझे मेरी पुरानी गलतियां याद कराते रहेंगे, घर वाले बाहर वाले सब। इसलिए मैं घर पे हूं या बाहर, अकेला महसूस करता हूं, बहुत अकेला। ऐसे माचो से फेस पर ना आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम भी अकेले, मैं भी अकेली, दोनों साथ में अकेले। नहीं, एक्चुअली दुकेले, दोनों साथ में दुकेले, वो भी परफेक्ट जॉलाइन वाले दुकेले। ये मैंने जब पहली बार दुकेले बोला तो वो दो केला साउंड कर रहा था ना। That's my Raj. मालविका, तुम्हें तुम्हें गलत नहीं लगता ना, तुम मुझ पे भरोसा करती हो ना, of course, Raj. थैंक यू मालविका। मुक्कू, मेरे अपने मुझे मुक्कू कहते हैं। थैंक यू मुक्कू। अनु मेरी जान, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ ना, कुछ काम था। ओ बाह, तुम्हारी दवाई। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई, ये राज भी ना सब कुछ बुला देता है।
ये दवाई। थैंक यू। अब मैं देता हूँ पानी। थैंक यू। थेरेपी के लिए जाना है मुकु, चल। थेरेपी के लिए आज नहीं जाना है, नेक्स्ट वीक जाना है। और तुम कहो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा अगर तुम चाहो तो। ओके। अनु थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। एक तो मैं इतनी ज्यादा केयरलेस हूँ ना, अगर तुम मुझे याद ना दिलाओ तो मैं सांस लेना भी भूल जाऊँ। अंकल छोकरी, मैं याद दिला दूंगा। तुम मुझे अपनी दवाई की, थेरेपी की, हर चीज की टाइमिंग बता दो। तुम? हाँ? अब अनुपमा के ऊपर तो काम का इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो भूल सकती है। तुम, मैं तुम्हें याद करा दूंगा। एक्चुअली पॉइंट तो है, वैसे भी मैं आजकल 24/7 राज के साथ ही तो होती हूँ। आप रहने दीजिए मिस्टर शाह, हमारी मुक्कू को मैं संभालू। तुम काम पे फोकस करो अनु, मुक्कू को मैं संभाल लूंगा। वैसे राज को भूलता नहीं है? ना भूलता हूं और ना ही भूलने देता हूं। एक सेकेंड, सॉरी। हेलो, एक्सक्यूज मी। आप ये ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूं? आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मत कीजिए, मेहरबानी करके अपना घर, अपने बच्चे, उन्हें संभालिए ना। अनुपमा, लीव। अनुपमा जाओ, मेरे पास बहुत काम है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मुझे मुक्कू को संभालना। रही बात बच्चों को संभालने की, तो उनके पास उनकी माँ है। जाओ, जाके समर को संभालो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Star Plus YouTube page को।